हाय फ्रेंड्स, बायोरियल इंजीनियरिंग में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। तो आज बात करेंगे कि फ्री एनर्जी होता है या फिर फेक एनर्जी होता है। ठीक है, ऐसे तो आपको यूट्यूब में फ्री एनर्जी लिख के सर्च करने पर हजारों वीडियो जो है आपको मिल जाएगा, जिन वीडियोस का व्यूज मिलियंस में है। ठीक है, लेकिन ये फ्री एनर्जी आखिर होता है या सिर्फ आप लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, ये आज देखेंगे। ठीक है, तो वायरल इंजीनियरिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साइड में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। ठीक है, आइए चलते हैं कंप्यूटर में। तो फ्री एनर्जी को जानने से पहले हम लोगों को तीन चीजें जानना पड़ेगा। ठीक है, पहला चीज जो है वो है कि कोई भी एनर्जी जो मिलता है वो कभी भी फ्री नहीं मिलता। ठीक है, हम लोग का सूरज में भी जो एनर्जी मिलता है वो फ्यूजन की वजह से मिलता है, मतलब वहां पर हाइड्रोजन हीलियम की गैसेस जो होता है वो आपस में विक्रिया होकर के एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और वो एनर्जी फिर दूसरे किसी एनर्जी में चेंज होकर फिर से नया एनर्जी बनाता है, और ऐसे ही विक्रिया करके जो है हम लोग को सूरज से एनर्जी मिल जाता है। अब जो है साइंस का सबसे बड़ा लॉ, मतलब न्यूटन फर्स्ट लॉ, आप लोगों ने सुना ही होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन में क्या बोला गया है कि एनर्जी को हम लोग ना तो क्रिएट कर सकते हैं, मतलब ना तो बना सकते हैं, और ना ही तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मतलब ना तो उसको हम लोग मिटा सकते हैं। तो एनर्जी का सिर्फ हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म मतलब एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, जैसे कि केमिकल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में चेंज करना। ठीक है, तो एनर्जी को सिर्फ चेंज किया जा सकता है, ना ही इसे तोड़ा जा सकता है और ना ही इसे बनाया जा सकता है। दूसरा चीज जो कि है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ क्या बोलता है, जब भी साउथ पोल और नॉर्थ पोल इसके बीच में कोई भी कंडक्टर, मतलब जिनसे भी इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, वो वैसे कोई भी चीज़ को अगर हम लोग घुमा दे, तो ये जो मैग्नेटिक लाइन है ये मैग्नेटिक लाइन को कट करता है, मतलब आपस में कट करता है। ठीक है, तो कट करने पर उस वो जो कंडक्टर है उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ मतलब कि वोल्टेज का इंड्यूस होता है। तो ऐसे हम लोग को वो उस कंडक्टर से हम लोग अगर दोनों साइड जो है वायर निकाल दे, तो वही वायर से हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, लेकिन शर्त ये है कि या तो मैग्नेट घूमना चाहिए, नहीं तो ये जो कंडक्टर है ये घूमना चाहिए, क्योंकि घूमने से क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये मैग्नेटिक फील्ड को काट करते रहेगा। ठीक है, आपस में काट करते रहेगा, और कट किया तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ऐसे जो है हम लोग को जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। तीसरा चीज क्या है, तीसरा चीज है चाहे वो मोटर हो या जनरेटर या कोई भी मशीन हो, दुनिया में आज तक ऐसा कोई भी मशीन नहीं आया जिसमें कुछ लॉसेस ना होता हो। ठीक है, जितना एनर्जी दे उतना एनर्जी हम लोग को नहीं मिल पाता है, तो उसके अंदर कुछ लॉसेस होता है। तो इधर हम लोग 100% एनर्जी देते हैं, फिर उसके अंदर जो है कुछ लॉसेस होता है, जो कि है स्टेटर रेजिस्टेंस, मतलब जो कॉयल रहता है अंदर उस कॉयल में कुछ लॉस हो जाता है, आयरन में कुछ लॉस हो जाता है, जो मोटर या जनरेटर का कवर होता है उसमें कुछ लॉस होता है, जो रोटेशन होगा रोटेशन की वजह से कुछ लॉस होगा। अब लोग को मोटर चलता है तो आवाज मिलता है, आवाज से कुछ एनर्जी लॉस होता है। ठीक है, सबसे बड़ा लॉस जो होता है वो हीट से होता है, मोटर हीट होता है, तो हीट के वजह से बहुत सारा एनर्जी जो है लॉस होता है। ठीक है, तो ऐसे एनर्जी लॉस होते होते जो 50% हम लोग का एनर्जी जो दिया था उसका 50% एनर्जी जो है वो लॉस होके निकल जाता है। ठीक है, बाकी हम लोग के पास जो बचता है वो 50% हम लोग को रोटर सेफ की माध्यम से वो 50% एनर्जी जो है मिलता है। तो आप जो है इस प्रोजेक्ट के जरिए आप लोगों को
सिखाते हैं कि फ्री एनर्जी क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे आपको वीडियो में दिखाया जाता है यूट्यूब वीडियो में कि दो वो मोटर है, ये दो मोटर से जब हम इसको घुमाएंगे एक बार दो बार, इसमें 12 वोल्ट इंड्यूस होगा, जो 12 वोल्ट ये वायर के जरिए इस मोटर तक आएगा और ये मोटर घूमने लगेगा तो ये दोबारा से घूमना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और जो है इससे फिर से एनर्जी मिलेगा और ये जो लाइट है ये लाइट आपका जलेगा। ठीक है, तो एक बार घुमा के देखते हैं। तो ये मोटर जो है चलने लगा। ठीक है, ये देखिए, कुछ नहीं है, ऐसे जो देख के आपको लग रहा होगा कि ये फ्री एनर्जी से चल रहा है, दोनों मोटर फ्री एनर्जी से चल रहा है और फ्री एनर्जी से ये वाला लाइट भी जल रहा है। ठीक है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये कैसे चल रहा है ये बाद में बताते हैं, लेकिन पहले बताते हैं कि इसमें क्यों फ्री एनर्जी नहीं हो रहा है। ठीक है, आपको जो मैंने बताया कि मोटर या जनरेटर हो उसमें लॉस जरूर होता है। ठीक है, तो जब इसको हम घुमाएंगे तो इसमें 12 वोल्ट होगा। ठीक है, 12 वोल्ट इंड्यूस होगा, लेकिन इस मोटर में तो लॉस होगा। तो लॉस क्या क्या होगा, इसमें हीट होगा, साउंड होगा, वो 12 वोल्ट से वो हीट एनर्जी में और साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होके थोड़ा एनर्जी निकल जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि आधा हो जाएगा, तो 12 वोल्ट हुआ तो इस ये जो है ये 6 वोल्ट ही सिर्फ दे पाएगा। तो अब जो ये वायर है इससे सिर्फ 6 वोल्ट जाएगा इस तक। ठीक है, इस मोटर तक 6 वोल्ट आएगा, तो इस मोटर में भी तो लॉस होगा ना, तो इस मोटर में वही लॉसेस होगा, हीट लॉसेस और साउंड लॉसेस। ठीक है, तो फिर से इसका एनर्जी जो है आधा हो जाएगा, मतलब इस मोटर से आ गया 6 वोल्ट तो ये 6 से हो जाएगा 3 वोल्ट। अब इस यहाँ से फिर से 3 वोल्ट का रोटेशन मिलेगा, ये जो रोटेट करेगा अब 3 वोल्ट में जितना रोटेट करना चाहिए वैसे रोटेट करेगा, तो 3 वोल्ट वाला रोटेट करेगा तो फिर से 3 वोल्ट इसको मिलेगा, लेकिन वो 3 वोल्ट जब फिर से इसमें लॉस हो जाएगा तो मोटर जो है वो रुक जाएगा, तो ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, अब अगर क्या होगा, हम लोग मोटर को लॉस को हटा दे। ठीक है, लॉस हटा दे, ऐसे तो लॉस को हटाया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी अगर हम लोग सोच ले कि इस मोटर में भी कोई लॉस नहीं है, इस मोटर में भी कोई लॉस नहीं है, तो इसका जो 12 वोल्ट होगा ये इसमें 12 वोल्ट हो गया, अब ये 12 वोल्ट इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी नहीं लॉस हो रहा, तो ये 12 वोल्ट में फिर से घूमेगा, तो मोटर हाई स्पीड में घूमेगा, मोटर दोनों मोटर अब घूमने लगेगा क्योंकि लॉस नहीं हो रहा तो घूमेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है फ्री एनर्जी इससे नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि जब भी हम इसके साथ ये लाइट जोड़ देंगे तो फिर से जो है यहाँ से एनर्जी लाइट में कन्वर्ट होकर निकल गया, और लाइट में ही हीट एनर्जी होता है, तो वही एनर्जी फिर लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में हो के जो है निकल जाएगा। तो अगर लॉसेस ना हो तब भी हम लोग फ्री एनर्जी नहीं ले सकते इससे। ठीक है, इसीलिए जो है फ्री एनर्जी काम नहीं करता। और जैसे मैंने बताया था कि एनर्जी सिर्फ कन्वर्ट होता है, तो इसमें अपने आप कहीं से एनर्जी नहीं आएगा, तो दोबारा से वो 12 वोल्ट नहीं मिल सकता। अगर हम लोग इसको एक्सटर्नली किसी से घुमाएं तो ही इसको एनर्जी मिलता रहेगा, या तो फिर इन दोनों मोटर में से एक मोटर को हम लोग एनर्जी प्रोवाइड कर दें तो ये घूमेगा। ठीक है, अगर साइंस बोलता है कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है,
तो ये पॉसिबल कैसे होगा? इसको पॉसिबल करने के लिए आपको जो बताया था हमने, मैग्नेटिक फील्ड से जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड को कट करके, तो वही कट आपको बिना घुमा के करना पड़ेगा, ठीक है? मतलब अगर एक कंडक्टर को सिर्फ रख दे तो वो कट नहीं होगा, तो वही चीज़ अगर कोई कर सके कि कोई भी एनर्जी दिए बगैर अगर मैग्नेटिक फील्ड को कट कर सके तो आपको फ्री एनर्जी मिल सकता है, लेकिन ये अब तक नहीं हुआ है पॉसिबल, ठीक है? तो अब तक जो है फ्री एनर्जी आपको नहीं मिल सकता। और मेरा ये प्रोजेक्ट ये कैसे चल रहा था अब ये आपको बताते हैं, ठीक है? तो ये जो चल रहा था, तो ये घुमाने पर नहीं घूमगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का सा जो है मैंने वायर को कट किया हुआ है, ठीक है? और यहाँ पे कनेक्ट करते हुए वायर को नीचे से ले जाकर ये जो एलोमीटर है इससे हम लोग को पावर मिल रहा था, ठीक है? और यही एलोमीटर जो है वो बोर्ड के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो हम लोगों को यही से एनर्जी जो है मिल रहा था, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिए। थैंक यू, बाय बाय।